वेलकम बच्चों, मेरा नाम प्रिंस दुबे और आपके हाफ ईयरली प्रिपरेशन को और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मोशन सीरीज़ का आज सेकंड टॉपिक लेकर आया हूं, जहां हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मोशन। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं कि मोशन को ग्राफ में कैसे स्टडी करना है। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक मोशन हो रहा है जो कि स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, यानी जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा होगा। जैसे यहाँ ओरिजिन है 0, 2, 4, 6, 8, तो पार्टिकल ऐसे ऐसे अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो इसको एक्स एक्सिस कह दिया गया। अब यहाँ पे देखिए, मैं एक एग्जांपल लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे टाइम है और यहाँ पर आपके पास पार्टिकल की पोजीशन है, यानी जब टाइम 0 सेकंड है, यानी जब आपने टाइमर जस्ट स्टार्ट करा है, तो बॉडी कहाँ पर है, बॉडी ओरिजिन पर है, एक्स इज इक्वल टू 0 पे। उसके बाद 2 सेकंड पे अगर मैं देखना चाह रहा हूँ, 2 सेकंड पे बॉडी कहाँ चली गई, 4 पे। फिर अगले 3 सेकंड में कहाँ चली गई, 6 पर। तो उसी को मैंने ग्राफ में भी प्लॉट करा है, जो बॉडी की पोजीशन है। अगर हम लोग इसको ध्यान से देखने की कोशिश करें तो बॉडी हर 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, अगर वो देखा जाए, इन एवरी सेकंड बॉडी 2 मीटर्स चल रही है। ये पहले सेकंड में भी बॉडी 2 मीटर आगे गई, अगले सेकंड में भी बॉडी 2 मीटर आगे जा रही, यानी यूनिफॉर्म मोशन की जो डेफिनेशन है, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, कि इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम जो डिस्टेंस कवर्ड है वो आपके पास इक्वल होगा। तो उसका ग्राफ कैसे मिलेगा, उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी हमें, एक स्ट्रेट लाइन होगी उसका ग्राफ। और यहाँ पे बड़े इजीली देख सकते हैं कैसे प्लॉट किया गया है। तो 0 पर अगर देखा जाए तो 0 पर है बॉडी, और दूसरे सेकंड पर अगर हम लोग चेक करें, सेकंड पे, तो बॉडी 4 पर है, और 4th सेकंड पर अगर मैं चेक करूँ तो बॉडी जो है वो 8 पर है, और सिमिलरली अगर 6 सेकंड पर चेक करा जाए तो बॉडी 12 पर है। तो ये है बॉडी के सारे पॉइंट्स। इधर अगर मैं इनको मार्क करता चला जाऊं, तो इस तरीके से बॉडी चल रही है। तो दिस इज़ स्ट्रेट लाइन मोशन, यानी इक्वल इंटरवल पे अगर आप देखें तो हर 2 सेकंड में अगर देखा जाए तो बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 4 मीटर। फिर अगले 2 सेकंड में आप देखें तो अगले 2 सेकंड में भी बॉडी 4 मीटर ट्रैवल कर रही है, यानी इक्वल इंटरवल। अगर 1 सेकंड का इंटरवल अगर हम लोग ले रहे हैं तो वहाँ बॉडी 2 मीटर आगे चल रही है, 2 सेकंड का इंटरवल ले रहे हैं तो बॉडी 2 मीटर आगे चल रही है, राइट? यानी इक्वल इंटरवल में बॉडी, टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। क्या हम इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं, क्या मैं मोशन को लिख सकता हूँ कि मोशन कैसा है, क्या हम इन दोनों में एक रिलेशन ढूंढ सकते हैं? तो यस, मुझे लगता है किसी ने ढूंढ लिया है। तो ये रिलेशन जो आपके पास आएगा, x इज इक्वल टू 2 × t। तो बहुत ईजिली यहाँ टाइम रखते जाइए, टाइम को अगर मैं 4 रख रहा हूँ तो 2t यानी 8 आ जा रहा है। सिमिलरली अगर टाइम को मैं यहाँ 9 रख रहा हूँ तो 9 × 2 = 18 आ जा रहा है। इट्स वेरी सिंपल। और कोई बताएगा ये रिलेशन आया कैसे होगा? तो अगर मैं इसको डिस्प्लेसमेंट बोल दूँ, अगर मैं इसको डिस्प्लेसमेंट बोल देता हूँ, तो ये वेलोसिटी है और ये आपके पास टाइम है, यानी सेम रिलेशन आपके पास आ रहा है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और ये रिलेशन हम कब यूज़ कर सकते हैं, व्हेन मोशन इज यूनिफॉर्म, यानी जब मोशन यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रह रही है, जो कि इस केस में वेलोसिटी 2 है। तो कैसे हम ये वेलोसिटी ग्राफ देख के सीधे निकाल सकते हैं? तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है स्लोप। तो लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज स्लोप। तो मुझे समझना पड़ेगा कि स्लोप क्या है। तो बहुत ही ईजिली निकाला जा सकता है स्लोप। अगर आप यहाँ पर देखिए किसी भी पोर्शन में कि स्लोप निकालना है, तो रेशियो जो है आपके पास, ये स्लोप हो जाएगा। तो अगर मैं वी लिखूँ तो ये वी की वैल्यू हो जाएगा स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम कर्व, उसका स्लोप। और स्लोप कैसे निकालेंगे, तो ये स्लोप हो जाएगा रेशियो, यानी ये रेशियो क्या है आपके पास, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, और यहाँ पर आपके पास क्या है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल,
अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो दिस इज स्लोप, तो ये आपके पास स्लोप हो जाएगा। और देखें अगर स्लोप निकाल के देखता हूँ क्या वो 2 आना चाहिए, स्लोप की वैल्यू क्या 2 आ रही है, तो लेट अस सी। x फाइनल माइनस x इनिशियल, यहाँ x की वैल्यू 8 है, माइनस यहाँ पर देखा जाए x की वैल्यू तो वो 4 है, और टाइम इंटरवल देखें यहाँ पे 4 है, 4 माइनस 2, ठीक है, दिस इज 4 दिस इज 2, तो ये गैप जो है आपके पास इट इज 4 माइनस 2, और ये जो है आपके पास दिस इज 8 माइनस 4, तो जो स्लोप आपके पास आ रही है 8 माइनस 4 इज 4 अपॉन 4 माइनस 2 इज 2, सो वेलोसिटी इज कमिंग आउट टू बी 2 मीटर पर सेकेंड। क्या समझ में आया बच्चों ने कि अगर आपके पास पोजीशन और टाइम कर्व दिया हुआ है, पोजीशन टाइम कर्व का जो स्लोप है वो आपको वेलोसिटी दे देगा, और अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है। आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलते हैं। अब यूनिफॉर्म मोशन का ही वेलोसिटी और टाइम ग्राफ देखते हैं। तो वेलोसिटी हमने पिछले में निकाल रखी थी, वेलोसिटी की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड आ रही थी, और इधर टाइम है तो वेलोसिटी टाइम के साथ कांस्टेंट रह रही है, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन फॉर यू, विद टाइम वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही हो कि अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ, इट्स यूनिफॉर्म मोशन। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर कोई आपसे पूछता है यार कि वीटी कर्व सिर्फ दिया है और आपसे पूछा कि 4 सेकेंड से लेकर 8 सेकेंड्स के बीच में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, क्वेश्चन इज वेरी सिंपल कि वीटी कर्व आपके पास गिवन है, यू हैव वीटी कर्व, और आपको पता क्या लगाना है, वीटी कर्व से डिस्प्लेसमेंट पता लगाना है। तो हाउ कैन वी कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वीटी कर्व, एरिया निकालते हैं वीटी कर्व, और ये जो दो टाइम इंटरवल है, ये वाला आपके पास 4 और ये वाला आपके पास 8, तो ये एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। लेट मी फाइंड दिस एरिया, तो अगर मैं एरिया निकालता हूँ तो एरिया के लिए ये विड्थ हो जाएगी जो कि यहाँ पे 2 है ऑब्वियसली, तो 2 इंटू ये लेंथ इस इंटरवल की विच इज 8 माइनस 4, तो ये आपके पास हो गया 2 इंटू 4 विच इज 8 मीटर, यानी 4 सेकेंड से लेकर 8 सेकेंड के बीच में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, 8 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है। देखिए क्या ये सही है कि हमें निकालना था 4 से 8 के बीच में, तो 4 टू 8 के बीच में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करी, तो 4 सेकंड पे बॉडी 8 मीटर पर है और 8 सेकंड के एंड में बॉडी 16 मीटर में है, तो ये डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना निकल कर आ रहा है, 4 सेकंड से लेकर 8 सेकंड में जो बॉडी ने डिस्टेंस ट्रैवल करी, एट द एंड ऑफ 8 सेकंड बॉडी इज एट 16 मीटर एंड एट द एंड ऑफ 4 सेकंड बॉडी वाज एट 8 मीटर, तो 4 से लेकर 8 के बीच में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया गया 16 माइनस 8 दैट इज 8 मीटर, ठीक है क्या, तो यहां से भी वो 8 मीटर आ रहा था। यानी क्या हमें पता चला कि अगर पोजीशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अगर निकाला जाए तो वो हमें डिस्प्लेसमेंट दे देता है, यानी बहुत ही सिंपली मैं बोल सकता हूँ कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व, तो ये कर्व हो गया एंड टाइम एक्सिस यानी दिस ब्लू लाइन, ये आपके पर्पल लाइन, ये कर्व है, ये टाइम एक्सिस है, इसके बीच का एरिया बिटवीन टू इंटरवल्स, इस केस में हमने इंटरवल क्या लिया था बच्चों, क्या लिया था इंटरवल, 4 से लेकर 8 हमने इंटरवल लिया था, तो एरिया अंडर वीटी कर्व एंड टाइम एक्सिस बिटवीन टू इंटरवल गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। तो ये आप लोग को समझ में आया, दो कॉन्सेप्ट्स, एक स्लोप, तो पोजीशन टाइम का स्लोप हमें
वेलोसिटी देता है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे की एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देती है। आई होप ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और यूनिफॉर्म मोशन को ख़त्म करके यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में बात करते हैं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है आपके पास, दैट एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट। तो दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन फॉर यू। इसका मतलब जहाँ पर एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो ये है आपके पास पोजीशन टाइम। तो पोजीशन टाइम से पहले मैं वेलोसिटी और टाइम ग्राफ की बात करना चाहता हूँ आपसे। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या है कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज कर रही है, यानी इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी इक्वल वैल्यू में बढ़ रही होगी। जैसे आप यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। तो अगर देखिए 1 से 2 सेकंड की अगर मैं बात करूं, यानी 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में वेलोसिटी कितने से बढ़ गई? +4 हो गई। अब आप 2 से 3, अगेन कितने सेकंड की बात करूं? 1 सेकंड की बात करूं, तो वेलोसिटी 8 से 12 हो गई, यानी अगेन 4 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। फिर 3 से 4 की बात करें तो 12 + 4 इट इज 16। तो हर सेकंड वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है, यानी आप सीधे एक्सेलरेशन पता लगा सकते हो। आप सीधे बोल सकते हो कि अच्छा, एक्सेलरेशन इज व्हाट? वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड से बढ़ रही है पर सेकंड, यानी एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकंड पर सेकेंड, दैट इज एक्सेलरेशन फॉर यू विच इज यूनिफॉर्म। ओके, अब मैं वी टी कर्व बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इसी केस में। तो वी टी कर्व भी स्ट्रेट लाइन होगा, किस केस में? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में। तो इसी ग्राफ को मैंने प्लॉट कर दिया। 0 पर अगर आप देख सकते हैं तो 0 है वेलोसिटी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी को देखूँ फर्स्ट सेकेंड पे, तो फर्स्ट सेकेंड पे वेलोसिटी जो है 4 है। 5th सेकंड पर अगर वेलोसिटी देखें, 5th सेकंड पे वेलोसिटी तो वो 20 आ जा रही है। कूल, आप समझ रहे हैं कि हर 1 सेकंड जब बीत रहा है तो वेलोसिटी जो है वो 4 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज कर जा रही है, ठीक है क्या? तो दिस इज वी टी कर्व इन केस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है क्या? अच्छा, अब अगर यहाँ पर भी आपसे कोई पूछता है कि क्या वी टी कर्व से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसका स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए मैं इसका स्लोप निकालने की कोशिश करता हूँ और यहाँ से ये स्लोप निकालने की कोशिश करता हूँ। तो ये मेरे पास है डेल्टा टी। डेल्टा टी यानी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक है। तो यहाँ से टाइम इंटरवल अगर देखें, यानी डेल्टा टी, तो डेल्टा टी की वैल्यू हो जाएगी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। और ये जो वर्टिकल आपको देखें, तो यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू अगर वी फाइनल है और यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू वी इनिशियल है, तो ये जो आपके पास लेंथ है ये आ जाएगी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो स्लोप जैसा मैंने बताया था, सेम फॉर्मूला स्लोप का, कि वर्टिकल राइज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो स्लोप अगर मैं यहाँ से फिर से निकालता हूँ वी टी कर्व का स्लोप, तो वो आपके पास हो जाएगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। यहाँ पे रख देता हूँ, तो वी फाइनल ये वैल्यू आपके पास 20 है, 20 माइनस ये वैल्यू कितनी है आपके पास? 0। टाइम अगेन 5 सेकेंड, दिस इज 5 एंड 5 माइनस 0, तो 20/5 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेरी सिंपल, ओके। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है अगर आपके पास, तो वी टी ग्राफ का स्लोप निकाल के हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अच्छा, अब वापस आते हैं हम कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड केस में क्या होगा पोजीशन टाइम कर्व, उसको भी देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैं ऑलरेडी ये डिफरेंस आपके सामने दिखाना चाह रहा हूँ कि अब सेम इक्वल टाइम इंटरवल ले रहा हूँ ना, लेकिन अब डिस्टेंस कवर्ड बढ़ता जा रहा है। देखिए कि क्या हो रहा है, पहले 1 सेकेंड में डिस्टेंस 2 मीटर कवर की गई,
लेकिन अगले एक सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर की गई वो 6 मीटर कवर की गई, फिर अगले एक सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया गया वो 10 मीटर किया गया, फिर अगले एक सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया गया वो 14 मीटर किया गया, यानी एवरी सेकेंड जो डिस्टेंस ये बॉडी कवर करती जा रही है वो डिस्टेंस बढ़ता ही जा रहा है आपके पास। वी कैन क्लियरली सी कि टी इज इक्वल टू जीरो पे बॉडी जीरो पर है, टी इज इक्वल टू वन पे बॉडी टू पर है, टी इज इक्वल टू टू पर बॉडी 8 पर चली गई, टी इज इक्वल टू 3 पर बॉडी 18 पे चली गई, यानी इक्वल टाइम इंटरवल में पोजीशन जो है वो ज़्यादा चेंज हो रही है, यानी हर एक सेकेंड जो आगे बढ़ता हुआ है उसमें ज़्यादा डिस्टेंस कवर की जा रही है और पहले वाले जो एक सेकेंड है उसमें कम डिस्टेंस की जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वेलोसिटी बढ़ती जा रही है एट यूनिफॉर्म रेट। तो ये जो ग्राफ हमें दिख रहा है, ये दिस ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट्स अ पैराबोला। तो इस ग्राफ को अपन बोलेंगे पैराबोला है, ये पैराबोला है और क्लियरली हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि क्या हो रहा है। तो अगर आप कोई भी टाइम इंटरवल देखिए, छोटा टाइम इंटरवल है, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो अगर आप देखिए 1 पे क्या हो रहा है, तो 1 पर ये बॉडी जो है यहाँ कहीं 2 पर है, लेकिन 2 पर अगर आप देखने की कोशिश करिए तो 2 पर ये बॉडी 8 पर पहुंच गई और ये वाली जो लाइन थर्ड सेकंड वाली लाइन है तो थर्ड सेकंड पर अगर हम लोग देखें तो बॉडी जो है 18 तक पहुंच गई है, दिस इज 18, और फोर्थ सेकंड में देखें अगर इसको ग्राफ को ऊपर लेते चले जाएँ तो 32 पर पहुँच गई है। तो किस तरीके यहाँ पे बहुत ही कम चेंज हो रहा है, लेकिन ये चेंज तो है वो धीरे 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 ड्रास्टिकली इंक्रीज कर रहा है। दिस चेंज इज इंक्रीजिंग ड्रास्टिकली, यानी इक्वल सेम इक्वल टाइम इंटरवल में पहले इतना डिस्टेंस कवर किया गया, फिर इतना डिस्टेंस कवर किया गया, फिर इतना डिस्टेंस कवर किया गया, फिर इतना डिस्टेंस कवर किया गया, यानी विद टाइम इंक्रीजिंग पर सेकेंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। सो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। और यहाँ पर भी अगर मैं एरिया की बात करूँ, अगर मैं वापस से यहाँ पर भी एरिया की बात करूँ कि एरिया निकालो सर, ये वाला एरिया कितना आएगा, तो बहुत ईजी है। इसका अगर मैं एरिया निकालने की कोशिश करता हूँ, क्या मिलेगा एरिया? वीटी कर्व का एरिया क्या मिलेगा हमें, याद है? डिस्प्लेसमेंट, यस। तो एरिया निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये ट्रायंगल है हाफ इनटू बेस, इसका बेस जो अभी निकाला तो इसका बेस कितना निकल कर आया, 5। समझ में आ रहा है इसका इसका जो बेस, और ये लेंथ कितनी निकल कर आई थी आपके पास, 20। तो ये जो एरिया निकल कर आया वो निकल कर आ रहा है 50 मीटर्स, यानी 5 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 50 मीटर। क्या हम वेरीफाई कर सकते हैं उसको? तो 5 सेकेंड में यस कितना निकल कर आ रहा है, 50 मीटर्स। यानी क्या, व्हाट इज हैपनिंग, एरिया अंडर वीटी कर्व आपको डिस्प्लेसमेंट दे देता है और वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो आपके पास एक्सीलरेशन दे देता है। अच्छा, व्हाट अबाउट स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम कर्व? पोजीशन टाइम कर्व का स्लोप क्या दे रहा होगा? तो अब यहाँ पे स्लोप अगर आप देखें तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे जानी चाहिए जिसकी स्लोप कांस्टेंट है, लेकिन ये कर्व है जिसकी स्लोप जो है टाइम के साथ साथ इंक्रीज कर रही है, और एज एक्सपेक्टेड कि हमें तो इसकी स्लोप कांस्टेंट मिलनी ही नहीं है, बिकॉज पोजीशन टाइम का स्लोप वेलोसिटी देता है और वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, हेंस दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इसकी भी स्लोप इंक्रीज करती जा रही है। आई होप ये क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा मिलेगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का? तो यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन निकाला 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो कि पूरे टाइम कांस्टेंट है। इसकी एरिया क्या देती होगी, इसकी एरिया निकाल के देखते हैं। तो कोई भी 2 इंटरवल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं 2 से 4 ले लेता हूँ, 2 से 4 ये इंटरवल की अगर मैं बात करूँ, इस इंटरवल की अगर मैं बात करूं तो ये एरिया हम बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं एरिया ऑफ एटी कर्व, इसकी एरिया निकालने की कोशिश करते हैं, एरिया अंडर एटी कर्व। तो ये जो है 2, 4 माइनस 2, दिस इज 2, और ये आपके पास अगेन क्या हो जा रहा है, 4 माइनस 2 विच इज़ 2।
तो अगर मैं यहाँ से एरिया निकालूँ तो एरिया जो है वो कितनी निकल कर आ रही है, 2 × 2 निकल कर आ रही है ये आपके पास एरिया, और इसकी जो वैल्यू है वो आ रही है 4 m/s². आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, ये तो ये लेंथ 4 m निकल कर आ रही है और ये 2 m। तो अगर मैं यहाँ एरिया निकालने की इसकी कोशिश करता हूँ कि एरिया कितनी हो जाएगी, तो दिस वुड बी 4 × 2 तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 8 m/s। यानी 2 और 4 के बीच में जो वेलोसिटी का चेंज हुआ है वो 8 m/s आ रही है। दिस इज चेंज इन वेलोसिटी देता है, चेंज इन वेलोसिटी। और ये भी चेक करते हैं पीछे जाकर कि 2 m/s से लेकर 4 s के बीच में वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है। तो 2 से लेकर 4 के बीच में वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 16 - 8। टाइम अगर आपके पास 2 s है और 2 s से अगेन 4 s के बीच की बात हो रही है, तो यहाँ पर वेलोसिटी थी 8, 4 s पे वेलोसिटी थी 16। व्हाट इज डिफरेंस इन वेलोसिटी, तो डिफरेंस इन वेलोसिटी इज 8 m/s। तो यहाँ से आप बहुत ही ईजिली वेरीफाई कर सकते हैं, यानी एरिया अंडर 80 कर्व, 80 ग्राफ के अंदर का जो एरिया है वो आपको चेंज इन वेलोसिटी देता है। तो एरिया अंडर 80 कर्व गिव्स यू चेंज, यानी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो ये बात आपको समझना होगा। तो मैं सारी चीज़ को एक साथ आपके सामने रखता हूँ और लेट अस सी क्या समझ में आ रहा है हमें। तो अगर मैं सीधे सीधे बात कर लेता हूँ, तो यहाँ मैं अगर आपसे बात करूँ कि 80 कर्व की बात करूँ, 80 कर्व, तो 80 कर्व का जो एरिया है वो आपको क्या दे देगा, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, और VT कर्व के एरिया क्या दे देगा आपको, चेंज इन पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट। ओके, स्लोप की बात करूं, वापस स्लोप की बात करूं, तो सबसे पहले बताया मैंने पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या दे देता है आपको, वेलोसिटी, और VT ग्राफ का स्लोप आपको क्या दे देगा, एक्सीलरेशन। ओके, तो ये चीज हम जरूर ध्यान रखेंगे। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया हमें चेंज इन वेलोसिटी देता है, VT ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट, XT ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देता है, VT ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है। तो दिस वाज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अब इनको इक्वेशंस में लाने की कोशिश करते हैं। उससे पहले क्विक रिविजन करते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसका मतलब वेरिएबल स्पीड होगी, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। और अगर पोजीशन टाइम का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है। तो ये आप रिवाइज करके रखेंगे, हमेशा ध्यान में रखेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन, यू नो। ओके, अब हम इक्वेशन ऑफ मोशंस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो पहले इक्वेशन है v = u + at। ये इक्वेशन डिराइव करना इट्स वेरी सिंपल, सीधा एक्सेलरेशन से बात करता हूँ मैं। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन मेरे पास थी a = final velocity - initial velocity / time, दैट इज डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। v - u क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे at मिलेगा, v = u + at, where what is u, initial velocity, and what is v, so it is final velocity, what is a, acceleration. ठीक है, और ये तो हमने पहले ही क्लास में देखा था, तो कोई इसमें
प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई बोलता है कि क्या ये ग्राफ कैसा आना चाहिए, क्या हम इस ग्राफ को बना सकते हैं कि अगर मेरे पास यहाँ वेलोसिटी वी है और यहाँ टाइम टी है, तो क्या हम एक ग्राफ बना सकते हैं? बच्चों बहुत इजीली बना सकते हैं। कैसे? अगर मैं इसको कंपेयर करूँ वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो बहुत इजीली बनाया जा सकता है। सी वहाँ पर वाई एक्सिस पे को जहाँ पे कट कर रही है, या वाई एक्सिस वेलोसिटी है तो वाई एक्सिस को कट कर रहा है यू पर, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा स्ट्रेट लाइन। ये वैल्यू आपके पास यू हो जाएगी और इसकी जो स्लोप है, स्लोप जो है इसकी वी टी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो दिस वॉज फर्स्ट इक्वेशन फॉर यू। तो बहुत ही ईजिली अगर हमें वेलोसिटी इनिशियल पता है तो किसी टाइम टी पर हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल भी कर लेते हैं हम लोग, बहुत ही छोटा सा, कि बहुत ही सिंपल है। अ कार स्टार्ट्स विद वेलोसिटी 5 meter per second एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट्स एट 2 meter per second square। Find its velocity after 2 seconds। तो बहुत ही ईजिली हम इसको निकाल सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मुझे लगता है कि सारे बच्चे समझ गए होंगे बेसिक फार्मूला। v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 5 प्लस एक्सेलरेशन 2 और वेलोसिटी आफ्टर 2 seconds। तो 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी निकालनी है, तो हर सेकेंड 2 meter per second से बढ़ रहा होगा, तो 2 सेकेंड में 2 plus 2 4, तो 4 plus 5 वेलोसिटी जो है आपके पास 9 meter per second आ जाएगी। बहुत ही सिंपल फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन के बाद आते हैं, तो सेकेंड इक्वेशन आपके पास आई, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको कैसे हम डिराइव कर सकते हैं, कोई आइडिया? देखिए मैं बता दूँ, मैंने आपको बताया लास्ट क्लास में कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो सकता है आपके पास, एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज इनटू टाइम। अगर किसी ने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखे, और लिंक में डाल दिया जाएगा। तो वी एवरेज जो है आपके पास वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर? तो v एवरेज होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं v एवरेज इनटू टाइम। अब v एवरेज का फॉर्मूला तो लास्ट क्लास में देखा, तो v एवरेज हो जाएगा आपके पास इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी का अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहां से देखा जाए तो आपके पास क्या आया, s इज इक्वल टू v एवरेज यानी u प्लस v बाय 2 इंटू टाइम टी। अब यहाँ से मुझे v को हटाना है, पिछली इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, याद है पिछली इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का यूज कर सकते हैं हम लोग, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का यूज कर सकते हैं यहाँ पर। और इसमें अगर सब्सिट्यूट कर दिया जाए तो s इज इक्वल टू u प्लस v, यहाँ से छाप देते हैं हम लोग, चिपकाइए इसको, u प्लस ए टी बाय 2 इंटू टाइम। अब देखिए दोनों को सम करेंगे, 2u आएगा, 2u बाय 2u हो गया, प्लस 80 का आधा तो हाफ 80 हो गया इंटू टी। सो s की वैल्यू आपके पास आ गई यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? तो बहुत ही ईजिली हम डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं इस इक्वेशन को यूज करके। अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, तो आप बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट टी टाइम में कितना ट्रैवल कर रही है बॉडी। अगर वो स्टार्ट की थी वेलोसिटी यू से और वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है एक्सेलरेशन ए से, ठीक है। अब अपन आते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस इक्वेशन पर आने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं सेम कॉन्सेप्ट को ही यूज करूंगा, देखिए थोड़ा सा चेंज करूंगा, कि मैंने बताया आपको कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू
वी एवरेज इनटू टाइम, ठीक है। और वी एवरेज को भी मैं लिख सकता हूँ वी प्लस यू बाय टू। टाइम की बात आई, टाइम नहीं है इस इक्वेशन में अगर हम लोग ध्यान दें। अब देखिए दोनों इक्वेशन में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और टाइम के बीच में रिलेशन दी हुई है। ये इक्वेशन आपकी तब हेल्प करती है अगर आपसे किसी ने पूछा कि एक कार है यार, वो एक इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट करती है और 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका एक्सीलरेशन है, तो बता दो 10 सेकंड में वो कार कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको टाइम नहीं दिया हो और आपसे कहा जा रहा है कि एक कार है वो स्टार्ट करती है 5 मीटर पर सेकंड से और उसका एक्सीलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो बताओ 50 मीटर चलने के बाद उस कार की स्पीड कितनी हो जाएगी। तो आपको किसी ने टाइम नहीं बताया, लेकिन आपको क्या बताया, इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद। तो टाइम इज नॉट अ वेरिएबल हियर, हियर वेरिएबल इन्वॉल्व द इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इन वेरिएबल्स का खेल है इसमें, तो टाइम को यहाँ से मुझे भगाना पड़ेगा। कैसे भगा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ईजी, हमें पता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बस सब इसी इक्वेशन का खेल है। यहाँ से टाइम निकालें, यहाँ रखें और चलता बने t इज इक्वल टू v माइनस यू बाय ए। यहाँ पर टाइम की जगह चिपकाइए v माइनस यू बाय ए। और हमने बहुत ही बचपन में मैथ्स में कभी देखा था, बच्चे ही हैं हम तो अभी भी, v प्लस यू इंटू v माइनस यू, ऐसा देखा है, ऐसा देखा होगा आपने कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या बोलते हैं इसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वैसे इसको भी लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। बहुत सिंपल है यार चीज़ें, बस कंफ्यूजन हो डरना नहीं है, बेसिक्स पे जाइए, मेहनत करिए, चीज़ें आपको नेचुरली आ जाएंगी। तो देखिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2a, फार्मूला आपके सामने आ ही गया है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो बहुत ही सिंपली हमने ये तीसरा फार्मूला भी डिराइव कर लिया है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन है हमारे सामने। इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर आप इस क्वेश्चन को देखिए, पॉज बटन दबाइए और आंसर करने की कोशिश करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रैवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर, यानी जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो पहले केस में वो कितनी है, 52 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और क्या कह रहा है, अप्लाइज दी ब्रेक एंड एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी उसका जो एक्सीलरेशन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है मोशन के, समझ में आ रही है क्या। ओके, और द कार स्टॉप्स इन 5 सेकंड, तो जो टाइम कार ने लिया वो टाइम कितना लिया, 5 सेकंड, टाइम जो कार ने लिया वो 5 सेकंड का आ रहा है। तो सबसे पहले मुझे इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेना होगा, ये भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि अगर आपको कोई भी चीज़ किलोमीटर पर आर में दी हुई है तो उसको हम मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज कर सकते हैं। कूल, तो देखिए कैसे चेंज कर सकते हैं इसे मीटर पर सेकंड में, तो हमें कुछ नहीं करना है, 52 दिया हुआ है आपको, तो 52 इंटू 5 बाई 18 कर लेना है, तो ये आपके पास जो आंसर है वो कितने पर आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो ऑल वी हैव टू डू इज मल्टीप्लाई दिस होल थिंग बाय 5 बाई 18, क्लियर। तो ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी निकल कर आ जाएगी, आई होप ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो और 5 सेकंड में उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है, 0 हो जा रही है। इनिशियल वेलोसिटी 5 से फाइनल वेलोसिटी 0, व्हाट इज एक्सीलरेशन, बहुत इजीली निकाल सकते हैं, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 0 माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी व्हिच इज कमिंग आउट टू बी 52 इनटू 5 बाय 18 डिवाइडेड बाय टाइम इज 5 सेकंड। तो एक्सीलरेशन की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आपके पास हो जाएगी 52 बाय 18
जिसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। और अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगी 26/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो आपके पास एक्सीलरेशन, एक चीज ध्यान देंगे, ये माइनस साइन क्या बता रहा है, यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, वो माइनस साइन आपको क्या बता रहा है, तो माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है यस दिस इंफॉर्मेशन एंड एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी दिस एक्सीलरेशन इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वो ब्रेक कर रहा है। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, अब दूसरे ड्राइवर की स्टोरी है। अनदर ड्राइवर गोइंग एट 34 किलोमीटर पर आवर इन अनदर कार अप्लाइज हिज ब्रेक स्लोली एंड स्टॉप्स इन 10 सेकंड। अब वो उतनी ड्रास्टिकली नहीं स्टॉप कर रहा, अब ये 5 सेकंड में स्टॉप कर गया, अब ये 10 सेकंड में स्टॉप कर रहा है। सेम आपको उसको बताना है उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो उसका एक्सेलरेशन अगर मैं निकालूं तो उसकी अगर मैं यू इनिशियल सीधे लिखूं तो हो जाएगा 34 × 5/18 मीटर पर सेकंड में करने के लिए, क्लियर। और उसका एक्सेलरेशन अगर निकाला जाए, फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 34 × 5/18 डिवाइडेड बाय ये कितने देर में ये काम कर रहा है, स्टॉप से 10 सेकंड, ये 10 सेकंड में स्टॉप कर रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन आपके पास आया माइनस 34 × 5/18 × 10, तो ये आपको कैंसिल कर दिया 2 से एंड देन आपने इसको कैंसिल कर दिया 17 से, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एक्सेलरेशन आया माइनस 17/18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्लियरली ये क्वांटिटी 1 से कम ही है, माइनस 17/18, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ ऊपर नीचे तो माइनस 30, पर 2 से डिवाइड करने की कोशिश करूँ तो ये माइनस 17/2/9 आ जाएगा, और जबकि ऊपर माइनस 26 है, तो ये एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड काफ़ी कम है, इस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अब इन्होंने पूछा आपसे कि अगर आपको इसका ग्राफ बनाना, ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ्स फॉर द टू कार्स, विच ऑफ द टू कार्स ट्रैवल्ड फर्दर आफ्टर ब्रेक्स वर अप्लाइड। तो अगर मैं एक ही ग्राफ पेपर लेता हूँ और ये दोनों प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ और आपसे बोला जा रहा है कि दोनों वी टी कर्व बनाया जाए, तो दोनों वी टी कर्व बनाता हूँ मैं, और दोनों वी टी कर्व में देखें कि पहले में जो आपके पास वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 52/5/18, अगर मैं इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये आपके पास हो जाएगी 26 × 5/9, ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे शुरू कर देता हूँ इसको, अगर 52 किलोमीटर पर आर, ठीक है, और यहाँ से ये ज़ीरो हो रही है, कितने देर में ये वेलोसिटी ज़ीरो हो रही है, द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड, दिस कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड, यहाँ कहीं ये कार स्टॉप कर रही है, और दूसरी कार जिसकी वेलोसिटी कुछ 34 किलोमीटर पर आर है और ये कार स्टॉप हो रही है जाकर फर्दर 10 सेकेंड, ठीक है क्या। तो ये आपके पास वी टी कर्व है, इट वुड बी ए स्ट्रेट लाइन, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, और इसका जो एरिया होगा हमारे पास नीचे वाले का, दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड कार, और ये जो इसका एरिया होगा, अगर मैं यहाँ पे कलर चेंज कर दूं, तो इसका जो एरिया होगा, दिस अबव ग्राफ का एरिया, दिस विल गिव यू डिस्टेंस कवर्ड बाय द फर्स्ट कार। आप ये दोनों एरिया निकालिए और कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर, कि विच ऑफ द टू कार्स ट्रेवल्ड फर्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ सोचने के लिए कि ये स्ट्रेट लाइन क्यों हो रहा है, ठीक है, और इसका एरिया डिस्टेंस कैसे दे रही है, जो कि हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है। तो ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट और शेयर करें। मैं आपका एजुकेटर प्रिंस दुबे, थैंक यू सो मच।